लड़की होना आसान नहीं। आज की वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए जो लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहती है, तो वीडियो को स्किप और छोड़ना मत। लड़के सिर्फ घर का काम करेंगी, अपने सपने पूरे नहीं कर सकती, लेकिन ये सोच गलत है। लड़कियां भी आज के समय में जो चाहती हैं ऊंचाइयां छू सकती हैं। लड़कियों को अपने सपने पूरे करने के लिए लड़कों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक लड़का सिर्फ पढ़ाई से लड़ता है और लड़कियां अपनी फैमिली से, समाज से, फिर जाके अपने संघर्ष से लड़ती हैं। कई बार लड़कियों का सफर इतना कठिन हो जाता है, उनको उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती जितना वो चाहती हैं। लेकिन आपको डर नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना है और आपको प्रूफ करना कि आप भी किसी से कम नहीं हो। यूपीएससी टॉपर फर्स्ट रैंक 2015 टीना डाबी का इंटरव्यू देखा तो मुझे छोटी सी बात समझ में आई। जब वह 12th क्लास में थी, उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था उनको आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, अधिकतर सरकारी नौकरी की तैयारी मिडिल क्लास वाले करते हैं। इनका खुद का माइंडसेट क्लियर था कि मुझे यूपीएससी करना है। अगर आपने अपने गोल को डिसाइड कर लिया और फिर वो आईएएस भी बनी, उनकी बहन रिया डाबी भी आईएएस बन गई। इसलिए आप ना ऐसे लोगों के बीच रहे जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। जो लड़कियां लड़कों से बेझिझक बातें करती हैं, खुलेआम दोस्ती करती हैं, इन लड़कियों को करेक्टरलेस बताया जाता है। मैं ये बात दावे के साथ कर सकता हूँ, इस देश में ऑलमोस्ट हर लड़की के साथ ऐसे किस्से कभी ना कभी जरूर होते हैं। हमें कोई भी चीज डर्टी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि गंदगी हमारे खुद की आंखों में होती है। लड़कियों से यह बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप समाज की तरफ ना देखिए, क्योंकि समाज लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी नीचे गिराने की कोशिश करता है। अभी हाल ही में 2023 की यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर, जिनका 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ और 3री बार में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल किया, उनके पिता तो उनको 7 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चले गए। उन्होंने स्टडी के लिए जॉब भी किया, खुद को इतना मोटिवेट रखा कि ये करना ही है। यूपीएससी टॉपर एक नहीं बल्कि 4 लड़कियां हैं जिनकी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। जब वो लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकती हो। हिमा दास, जिन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, जिसने फिनलैंड की धरती पर इतिहास रच दिया और बन गई देश की ऐसी पहली महिला। हिमा दास ने 1 महीने के अंदर 5 गोल्ड मेडल जीते थे। उनके पास दौड़ने के लिए जूते नहीं थे और वो आज एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है और उन्हें बाद में DSP भी बनाया गया। मेरी कॉम, जिनका जन्म तो एक छोटे कस्बे में हुआ, उनकी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब थी कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। मेरी कॉम ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और बन गई वर्ल्ड चैंपियन। 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बॉक्सर बनी। हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, अगर हम संकल्प लेकर आगे बढ़े तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कल्पना चावला जब रात में बाहर सोती थी तो वह आसमान में सिर्फ चांद सितारे देखती थी। वो अपनी मम्मी से पूछती थी कि क्या मैं भी आसमान में उड़ सकती हूँ। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला थी। जब 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में गई, जो 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था, वापस लौटते समय 1 फरवरी 2003 को उनकी डेथ हो गई। वो कल्पना चावला जिसने अपने सपनों को पूरा करने की मौत से भी लड़ लिया। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने 194 दिन अंतरिक्ष में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसने पहली बार अंतरिक्ष में तिरंगा भी लहराया था। लड़की होना आसान नहीं, अपनी फैमिली के खातिर अपनी ख्वाहिशें दबानी पड़ती हैं। नीले आसमान में कौन उड़ना नहीं चाहती। थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम हंसो, मैं बोलता हूँ ऐसे जो भी बोलता है उनको इग्नोर करो और अपने सपनों को पूरा करो। भारत की फर्स्ट महिला IPS किरण बेदी, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव, PV सिंधु, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर, पता नहीं ऐसी कितनी ही लड़कियां जिन्होंने अपना ही नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाई वही लड़कियां हैं। पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनो। डियर गर्ल्स, अमीर लड़के से शादी करने के सपने देखने से बेहतर है कि खुद ही अमीर बन जाओ। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रही हो भविष्य में उस किताब में तुम्हारा भी चैप्टर लिखा हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और